दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान से ऐसे यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ जिनकी मदद से अगर आपकी स्टील की बोतल में या स्टील की कैटल में किसी भी तरीके की बदबू या बहुत ही जिद्दी दाग पड़े हुए हैं जो कि आप बार बार साफ करने के बाद भी उन्हें साफ नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ऐसे आसान से टिप्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप इनको बहुत ही आराम से साफ कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपकी बोतल में से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है और बोतल भी ज़्यादा गंदी नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है और इसको आप इस तरीके से पतला पतला फोल्ड कर लीजिए और अपनी बोतल के अंदर डाल दीजिए। इससे हमारी बोतल में जो भी गंदगी होगी वो न्यूज़पेपर सोख कर लेगा। और अगर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस तरीके से बोतल को लगभग 7 से 8 घंटे के लिए यानी कि पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, तो आपके बोतल की जो गंदी स्मेल है वो ज़रूर ही चली जाएगी। और अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। पर यहाँ पे मैं अपनी बोतल को सिर्फ आधे घंटे के लिए ही छोड़ रही हूँ और आधे घंटे के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगी। आधे घंटे के बाद मैं इसमें से न्यूज़पेपर निकाल देती हूँ। आधे घंटे भी न्यूज़पेपर रखने से इसमें काफ़ी स्मेल कम हो जाती है। अब हम अपनी बोतल को साफ पानी से एक बार क्लीन कर लेंगे। तो बोतल में मैंने यहाँ पे साफ पानी भर लिया है। हम इसको इस तरीके से हिलाएंगे और फिर इसमें जो ये पानी है इसको मैं फेंक देती हूँ। तो दोस्तों इसमें जो हल्की सी स्मेल आ रही थी वो अब पूरी तरीके से चली गई है। और अगर आपकी बोतल में ज़्यादा तेज़ स्मेल आ रही हो तो आप न्यूज़पेपर को रात भर के लिए रखिएगा, फिर देखिए बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अब देख लेते हैं कि अगर आपकी कैटल में या बोतल में जितनी दाग पड़े हैं तो उन्हें हम आसानी से कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी ये कैटल है इसके अंदर कुछ दाग पड़े हुए हैं, तो चलिए हम इन्हें साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये मैंने यहाँ पे आधा नींबू ले लिया है, इसे हम निचोड़ देंगे। तो इसमें दाग थोड़े ज़्यादा पड़े हैं इसलिए मैं पूरा एक नींबू इसमें डाल देती हूँ और साथ ही हम इसमें इसका छिलका भी डाल देंगे। और उसके साथ ही मैं इस बोतल को भी ले लेती हूँ और इसमें भी नींबू निचोड़ देती हूँ और उसके बाद नींबू का छिलका भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम दोनों में एक एक चम्मच नमक डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे गरम पानी। उसके बाद हम अपनी कैटल का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम इसी तरीके से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और इसी तरीके से बोतल में भी मैं पानी डाल देती हूँ और इसका भी मैं ढक्कन लगा देती हूँ और इसे भी मैं 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। और अगर आपकी बोतल में या कैटल में ज़्यादा गंदगी हो और अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी आप रात भर के लिए करिएगा। और पानी गर्म करके अगर आप उसको सुबह क्लीन करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपकी जो बोतल और कैटल साफ़ हो जाएगी। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए ही छोड़ लेती हूँ यहाँ पर। 1 घंटे के बाद हम अपनी बोतल को खोल लेते हैं और इसके अंदर जो हमने ये पानी फिल किया है इसे मैं फैला देती हूँ। और थोड़ा सा पानी अभी हम रखेंगे और इसको हम सेक करेंगे। कैटल को भी खोल लेते हैं, तभी आधा पानी फैला देते हैं और उसके बाद इसको भी सेक कर लेते हैं। अब जो थोड़ा सा पानी रह गया है सेक करने के बाद हम इसको खोल लेंगे एक बार। और यहाँ पे मैं लिक्विड सोप ले लेती हूँ और थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे, लगभग 1 छोटा चम्मच। इससे हमारी बोतल जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी और फिर से हम सेक कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास एक ब्रश है बोतल साफ करने वाला तो आप उससे इसको क्लीन कर सकते हैं अच्छे से। और ब्रश निकाल दिया है मैंने और सोप को हम फैला देंगे। क्लीन पानी से हम इसको वॉश कर लेते हैं 1 से 2 बार के लिए। देखिए जो हमारी बोतल है ये अच्छे से क्लीन हो गई है
और कैटल को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने कैटल को क्लीन कर लिया है और अब आप देख ही सकते हैं कि जो पहले इसमें दाग पड़े हुए थे वो सारे क्लीन हो गए हैं। और जबकि मैंने इसको नींबू पानी जो इसके अंदर रखा था वो सिर्फ एक घंटे के लिए ही रखा था, तभी ये इतनी क्लीन हो गई है। और अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो उसको रात भर के लिए रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ जो बिल्कुल बहुत ही आसान है, और इस तरीके से भी आप अपनी बोतल, कैटल या फिर आप अपने फ्लास्क को भी साफ कर सकते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा और उसे हम अपनी कैटल में डाल लेते हैं और इसी तरीके से मैं इसे अपनी बोतल में भी डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर ले लिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच। जब हम खाने वाले सोडा में विनेगर डालते हैं तो ये देखिए इस तरीके से झाग ऊपर आने लगते हैं, तो इसको सेटल होने में लगभग कुछ सेकंड लगेंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं पहले। और बोतल में भी डाल देती हूँ मैं, तो पहले दोनों को हम सेट होने देते हैं और उसके बाद डाल देंगे गर्म पानी। पानी आप धीरे धीरे करके ही डालिएगा, पहले कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर हम थोड़ी देर में पानी डालेंगे इसमें, तब तक हम बोतल में डाल लेते हैं। फिर से हम थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देंगे और अब हम इसके बाद इनको लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप थोड़े लंबे समय के लिए करिए, यानी कि 5 से 7 घंटे के लिए, तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। पर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को लगभग आधे घंटे के लिए ही छोड़ रही हूँ। और याद रखें कि हमें इनको सिर्फ खुला ही रखना है, इनकी लिड नहीं लगानी है, क्योंकि विनेगर या सोडा का यूज़ करने से जो लिड है इनकी वो ख़राब हो सकती है। तो मैं इसको खुला ही छोड़ देती हूँ और आधे घंटे के बाद मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और अब हम अपनी बोतल को क्लीन कर लेते हैं। तो पहले हम इसे एक बार सेक कर लेंगे और इसमें से पानी को निकाल देंगे। अभी हम आधा पानी ही निकालेंगे। और फिर से मैंने यहाँ पे बोतल को साफ करने वाला ब्रश ले लिया है और उससे हम अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको क्लीन कर लेंगे। और जो इसमें पानी रह गया है उसे हम निकाल देंगे और एक बार, और अब हम इसको क्लीन पानी से वॉश कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम एक स्क्रबर ले लेंगे और इस पर थोड़ा सा लिक्विड जेल डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और बाहर से भी हम अपनी बोतल को क्लीन कर लेंगे अच्छे से। इसकी कैप को भी फिर से क्लीन पानी से वॉश कर लेंगे। देखिए दोस्तों बोतल एकदम क्लीन हो चुकी है और अब मैं अपनी कैटल को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अब मेरी जो कैटल है ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है और अब उसमें किसी भी तरीके के दाग नहीं रहे हैं और इसमें कोई भी स्मेल भी नहीं आ रही है, ये बिल्कुल जर्म्स फ्री हो गई है। और इसे मैंने क्लीन किया है बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल का यूज़ करके। तो दोस्तों अगर आपके भी घर में आपकी स्टील की बोतल, फ्लास्क या फिर कैटल अगर गंदी है और वो क्लीन नहीं हो पा रही है, तो जो भी टिप्स आपको आसान लगे हैं उन टिप्स को फॉलो करके आप उनको आसानी से घर पे क्लीन करिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके बाय बाय, टेक केयर।